हेलो दोस्तों, मैं निशा हूँ सहारनपुर से। इस समय मैं 12th में पढ़ रही हूँ। मेरे मैथ्स के विनोद सर मुझे हर रोज ताड़ते ही रहते थे। मेरे बैच में 21 जवान लड़कियाँ थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा सुंदर थी। एक दिन विनोद सर मुझे बार बार धीरे धीरे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, ट्यूशन के लिए मैं ही आई थी। बाहर तूफान भी आ गया था, तेज हवाएं चल रही थी। विनोद सर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे किस कर लिया। मैंने हैरान होकर पूछा, सर ये आप क्या कर रहे हो मेरे साथ? उन्होंने कहा, तुम मुझे बहुत ही सुंदर लगती हो। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, बस मैं तुम्हारे लिए पागल सा हो गया हूँ। निशा, आई लव यू। और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे किस करना शुरू कर दिया, पर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, सर आप जैसा सोच रहे हैं, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। और मैं तुरंत वहां से घर चली आई। कई दिन तक मैं विनोद सर के पास ट्यूशन पढ़ने नहीं गई थी। रात में मुझे बार बार विनोद सर की बातें याद आती थी। निशा तुम बहुत सुंदर हो, तुम मुझे एकदम नोरा फतेही जैसी दिखती हो। धीरे धीरे मुझे विनोद सर अच्छे लगने लगे। एक दिन मैंने सर को एक लव लेटर में रख कर दे दिया। जब शाम के 6 बजे सारी लड़कियां अपने अपने घर चली गई, मैं विनोद सर के पास रुक गई। तभी सर ने कहा, निशा कहो तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सर मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। उसके बाद हम लोगों की बातचीत बंद हो गई। सर ने मुझे पकड़ लिया और गाल पर किस करने लगे। उन्होंने फोग का परफ्यूम लगा रखा था जो बहुत महक रहा था। धीरे धीरे सर मुझे और भी अच्छे लगने लगे। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और एक दूसरे को किस करने लगे। और सच तो ये था कि आज मैं खुद कस के अपनी नीचे की गोदाम खुदवा लेना चाहती थी। मेरी रसीली गोदाम में कई दिन से खुजली हो रही थी। अगर आज विनोद सर मुझे खोद दे तो मुझे बहुत मजा मिलेगा। धीरे धीरे विनोद सर मेरे पास आ गए और मेरे गुलाबी होठों पर उन्होंने अपने गुलाबी होठ रख दिए और हम दोनों एक दूसरे के लब पीने लगे। धीरे धीरे हम दोनों गर्म होने लगे। फिर विनोद सर ने मुझे पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। मैं उनकी गर्लफ्रेंड की तरह उनसे चिपक गई। वो मेरी पीठ सहला रहे थे। धीरे धीरे मैं भी विनोद सर को अपना मान चुकी थी। हम दोनों फिर से किस करने लगे। सर के हाथ मेरे 36 के संतरे पर चले गए। दोस्तों, मैं 22 साल की एक जवान और बेहद खूबसूरत लड़की हूँ। मैं बहुत गोरी और सुंदर लड़की हूँ। मेरा बदन बहुत गोरा भरा हुआ और सुडौल था। मेरा फिगर कमाल का था। मैं दिखने बहुत सेक्सी लगती थी। मेरा फिगर 36-30-34 का है, बिल्कुल फिट। मेरे घर के आसपास के लकड़े मुझे माल सामान आइटम बुलाते थे। जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो वो चौराहे पर खड़े रहते थे, मेरा इंतजार करते रहते थे और मुझे बार बार पलट पलट कर देखते थे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरे मस्त मस्त संतरे वो पीना चाहते हैं और मेरी रसीली गोदाम को वो खोदना चाहते हैं। मेरी एक मुस्कान देखने के लिए कितने लड़के खड़े रहते थे और उनका दिल उछल कर बाहर आ जाता है। सब मुझसे बात करना चाहते हैं और बस मुझसे मिलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहते हैं। वो मुझसे बार बार मेरा फोन और व्हाट्सएप नंबर मांगते थे।
पर मैं मना कर देती थी। सभी मुझे बस एक बार जी भर के खोदना और खाना चाहते हैं। ये बात मुझे मालूम थी, इसलिए कुल मिलाकर मैं बहुत ही अलग लड़की थी। विनोद सर तो मेरे पीछे बहुत दिनों से पागल थे, आज वो मेरी गोदाम मारने वाले थे। धीरे धीरे सर के हाथ मेरे 36 के संतरों पर जाने लगे, वो मेरे रसीले संतरे दबाने लगे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद विनोद सर ने मेरे दुपट्टे को खींचकर मेरे गले से निकाल दिया और किनारे मेज पर रख दिया। मैंने गुलाबी रंग का बहुत ही खूबसूरत सलवार कमीज पहन रखा था। सर मेरे संतरे दबाने लगे, मैं आहा की आवाजें निकालने लगी। दोस्तों, आज मेरा भी गोदाम में करवाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सर को नहीं रोका। मैंने उनको बिल्कुल भी मना नहीं किया। फिर विनोद सर ने मुझे एक लंबी बेंच पर लिटा दिया। इसी बेंच पर बैठकर सब बच्चे पढ़ते थे। सर भी मेरे ऊपर लेट गए और मेरे संतरे हाथ से दबाने लगे और मेरे रसीले होठ फिर से पीने लगे। दोस्तों, अब मुझे बहुत कुछ फील हो रहा था। पता नहीं क्यों मैं विनोद सर को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जो वो मेरे साथ कर रहे थे, मैं उनको करने दे रही थी। इसी तरह से विनोद सर पूरे 25 मिनट तक मेरे साथ किस करते रहे। मेरी गोदाम गीली हो चुकी थी, मैं सर से खुदना चाहती थी। सर, क्या आज आप मेरी गोदाम में अपना नागराज दौड़ आओगे? मैंने बड़े प्यार से पूछा। फिर विनोद सर बोले, निशा मेरी जान, आज तक मैंने इस नागराज से 5 लड़कियों को खोदा है। आज मैं इस मोटे मूसल जैसे नागराज से तुम्हारी मुलायम गोदाम को फाड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरी मलवार की रस्सी खोल दी और निकाल दी, मेरी कमीज, ब्रा और पेंटी भी खोल दी। जब वो एक एक करके अपने शर्ट के बटन खोलने लग गए, तो यह देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं डरी हुई थी, क्योंकि विनोद सर ने भी अपने सब कपड़े निकाल दिए थे। उनका नागराज 8 इंच मोटा था। उसे देखकर मैं भयभीत हो गई थी। विनोद सर मेरे ऊपर आकर लेट गए और मुझे बाहों में भर लिया। दोस्तों, मैं पूरी तरह बिना कपड़ों में थी। विनोद सर मेरे शरीर के हर अंग को चूम रहे थे। मुझे भी अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मैं सर की पीठ को अपने हाथ से सहलाने लगी। फिर विनोद सर ने मेरे 36 के संतरों पर हाथ रख दिया। मैं सिसक गई। सर मेरे खूबसूरत संतरों को दबाने लगे, मैं आवाजें निकालने लगी। आज जिंदगी में पहली बार कोई मर्द मेरी रसीली संतरी पी रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। विनोद सर मेरे संतरों को तेज तेज दबाकर भरपूर मजा ले रहे थे। मेरे संतरे बहुत ही गुलाबी और गोल मटोल थे। विनोद सर ने आज तक कई लड़कियां खोदी थी, पर किसी के संतरे मेरे इतने बड़े नहीं थे। आधे घंटे तक सर मेरे संतरों को दबाते रहे और पीते रहे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे शरीर में खुदाई की आग जल चुकी थी। आज मैं कसके खुदवाना चाहती थी। सर का मोटा बेरहम नागराज अपनी छोटी सी गोदाम में लेना चाहती थी। धीरे धीरे विनोद सर मेरे संतरे तेज तेज से दबाने लगे, मैं आवाजें निकाल रही थी। सर बोले, निशा सच में तुम बहुत अलग हो। दोस्तों, मेरे संतरे के अंगूर ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जो बेहद अलग तरह से लग रहे थे। मेरे संतरों के चारों तरफ काले रंग के बड़े बड़े छल्ले थे, जो बहुत अलग अंदाज में लग रहे थे। मेरा रूप, रंग और यौवन को देखकर मेरे मैथ्स के टीचर विनोद सर पूरी तरह से पागल हो गए थे। वो तो बस मेरी संतरी चूसते ही जा रहे थे, एक सेकंड को भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद मैं इतनी गर्म हो गई कि
कि खुद ही मैं अपनी गोदाम में उंगली करने लगी। ओह विनोद सर, अब मुझे और मत तड़पाओ और जल्दी से मेरी गर्म गोदाम में अपना नागराज डाल दो, मैंने कहा। उसके बाद विनोद सर ने मेरी संतरी को चूसना बंद कर दिया। मेरे पैर उन्होंने खोल दिए और मेरी गोदाम में अपना मोटा 8 इंच का नागराज दे दिया और जल्दी जल्दी खोदने लगे। दोस्तों, सर का नागराज तो मेरी गोदाम को कसके खोदने लगा। मैं जोर जोर से कराने लगी। मैंने खुद अपने पैर खोल दिए जिससे विनोद सर का नागराज अंदर गहराई तक मेरी गोदाम में चला जाए। धीरे धीरे विनोद सर का नागराज पूरा का पूरा 8 इंच अंदर मेरी कुद्दी में घुस गया। मुझे बहुत जोर का दर्द भी हो रहा था, पर साथ ही साथ अच्छा भी लग रहा था। मेरा गला भी सूख रहा था। सर तो जल्दी जल्दी मेरी गोदाम मार रहे थे। उनके धक्के तेज और धीरे धीरे होने लगे। जिस बेंच पर मैं खुद रही थी वो हिलने लगी। मुझे डर लगा कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाए। विनोद सर ने अपने दोनों हाथ मेरे शानदार खूबसूरत 36 के संतरों पर रख लिया और सहलाने लगे। मुझे एक नशा सा हो गया था। आज तो मैंने सारी हद पार कर दी थी। अपने सर का मोटा नागराज मैं ट्यूशन में खा रही थी। धीरे धीरे विनोद सर को और ज्यादा वासना का गुलाबी नशा चढ़ रहा था। वासना अब उनके दिमाग में बैठ गई थी। वो मेरा और ज्यादा समय लेना चाहते थे। इसी बीच सर के ताबड़तोड़ धक्के से फिर से मेज हिलने लगी। मनो की तूफान आ गया हो। आज विनोद सर ने मेरी चिकनी अंगूरों को और तेज तेज दबाना शुरू कर दिया। मैं आई आई की आवाज निकाल रही थी। आज मैं अपने सर से गोदाम में नागराज दौड़ाकर एक उस तरह की लड़की बन गई थी। मेरे शरीर में वासना की आग जल उठी थी। हाँ, आज मैं सारी रात खुदवाना चाहती थी। विनोद सर तो बस जल्दी जल्दी अपनी कमर घुमा रहे थे और मेरी रसीली गोदाम को फोड़ रहे थे जैसे मैं कोई आवारा हूँ। सर ने मेरी कमर और पेट को सहलाना शुरू कर दिया और जल्दी जल्दी मुझे नागराज देने लगे। मैं अपनी कमर और दुकान हवा में ऊपर उठाने लगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजना महसूस हो रही थी। इस तरह विनोद सर ने मुझे खोदा। अब तो जैसे मेरी गोदाम से आग की गर्म गर्म लपटे निकल रही थी। मैं जानती थी ये मेरी कामवासना की अग्नि की धधकती लपटे थी। विनोद सर अब समझ गए थे कि मैं पूरी तरह से खुदासी हो चुकी हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी कमर को दोनों हाथ से कसके पकड़ लिया और तेज तेज धक्के मेरी रसीली गोदाम में मारने लगे। वो मेरी गोदाम बेरहमी से फाड़ रहे थे। मैं बार बार अपना मुंह किसी मछली की तरह खोल रही थी क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और टेंशन हो रही थी। मैं बार बार मुंह से गर्म हवा छोड़ रही थी। मैं चाहती थी कि विनोद सर मेरी गोदाम को आज पूरी तरह से फाड़ दे और मेरा 1 महीने का कोटा पूरा हो जाए और मैं उनसे रोज रोज खोदने को ना बोलूं। दोस्तों, विनोद सर ने 50 मिनट नॉनस्टॉप गोदाम में नागराज दिया। मेरी गुलाबी कुड्डी में उन्होंने अपना पानी निकाल दिया। वो मेरे ऊपर लेट गए थे। उसका चेहरा बता रहा था कि वो बहुत थक गए थे। मुझे भी खुदवाने में काफी मेहनत खर्च करनी पड़ी थी। मैं भी थक गई थी। मैंने विनोद सर को बाहों में भर लिया और किस करने लगी। मैं उसकी आंखों, गाल, होठों, गले पर किस कर रही थी। करीब आधा घंटे तक हम दोनों इसी तरह लेते रहे। आज मैं अपने मैथ्स के सर से खुद चुकी थी। आज मैंने उनके 8 इंच के मोटे नागराज से अपनी गोदाम फड़वा ली थी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे।
सर ने पूछा, क्यों निशा, बोलो खुदाई में मजा आया कि नहीं? सर मजा तो मुझे बहुत आया, मैंने कहा। उसके बाद हम फिर से प्यार करने लगे। अब विनोद सर मेरी दुकान खोदना चाहते थे। उन्होंने ट्यूशन वाली बेंच पर ही मुझे डोगी स्टाइल बना दिया और मेरे खूबसूरत दुकान को चूमने लगे। दोस्तों मेरी दुकान बहुत ही गजब की थी। फिर उन्होंने हाथ से मेरी दुकान को खोल दिया और चाटने लगे। मुझे अच्छा लग रहा था और मैं आवाजें निकाल रही थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। आज तक मैंने किसी मर्द से अपनी दुकान नहीं चटाई थी। साथ ही मुझे बड़ा गर्म लग रहा था। विनोद सर तो बहुत बड़े धनी दुकानी थे। मेरी दुकान को चाटने और पीने में उनको पता नहीं कौन सा मजा मिल रहा था। वो जल्दी जल्दी मेरी कुवारी दुकान को पी रहे थे। इधर मेरी गोदाम गीली हुई जा रही थी। आज वो मेरी दुकान कसके खोदने वाले थे। मैं भी तैयार थी। फिर विनोद सर ने मेरी कुवारी दुकान में अपने मुंह का पानी दिया और अपना मोटा अंगूठा उसमें डाल दिया। आ बोलकर मैं उछल पड़ी थी क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। विनोद सर की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना की भूख थी। वो मेरी दुकान खोदने के प्यासे थे। आज कसके वो मेरी दुकान मारना चाहते थे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने फिर से मेरी दुकान में पानी दिया जिससे दुकान का मेन रास्ता चिकना हो जाए। वो जल्दी जल्दी अपना अंगूठा चलाने लगे। मैं सिसक रही थी, कराह रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने मेरी दुकान में अपना नागराज डालकर जोर से धक्का मारा जिससे उनका नागराज दौड़कर भीतर घुस गया। दोस्तों उसके बाद तो मेरे विनोद सर ने करीब 30 मिनट डोगी स्टाइल बनाकर मेरी दुकान खोदी। ट्यूशन में जिस बेंच पर बैठकर मैं रोज पढ़ती थी उसी पर आज मैं खुद गई थी। उसी बेंच पर मैंने आज दुकान गीली करा ली थी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।